Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ लोकमत का, वो मुझे दोपहर से यहाँ पर बुला के अवार्ड दे रहे हैं। और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि रिंकू नॉमिनेटेड है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर के लिए, तो देखना चाहते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक्साइटेड है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहूँगी कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। कौन से कैटेगरी में नॉमिनेट? बेस्ट महाराष्ट्र नाम एक्ट्रेस हाँ एक्ट्रेस रंगभूमि मैं हाँ शायद आणि एक मला प्रश्न विचारायचा रिंकूला की रिंकू तुझी 10वीची परीक्षा आता झाली तर कशी होती तुझी, म्हणजे टेन्शन दूर झालंय का तुझं? असं काय नाही, एक टेन्शन झालं तरी एक येतच, पण छान होती। ओके थँक्यू थँक्यू ठीक आहे नाही 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 स्टँड अप फॉर द व्हिज्युअल व्हिज्युअल ये वायर ना बंद नमस्कार सर, मला फार आनंद होतो आहे तुम्ही इथे आलात, महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयरचा अवॉर्ड सेरेमनीच्या इथे तुम्ही उपस्थित होत आहात, तर आम्हाला हे विचारायचं की कसं वाटतंय तुम्हाला इथे येऊन? म्हणजे आता जो लोकमतचा जो महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर आणि म्हणून मी आलो आहे फार तुमच्या नि, तर हा जो अवॉर्डचा जो प्रोग्राम आहे अत्यंत चांगला प्रोग्राम आहे, आणि लोकमत हे जे दैनिक आहे ते महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसांचं अत्यंत जवळजवळ वृत्तपत्र आहे, सर्व समाजाला न्याय देणारं हे लोकमत हे वर्तमानपत्र आहे, त्यामुळं मी लोकमत हार्दिकची शुभेच्छा देतो आणि हा कार्यक्रम अत्यंत चांगला आहे आणि या कार्यक्रमात सहभागी होण्यामध्ये मला फारच मोठा आनंद आहे। धन्यवाद सर। महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा लोकमतने ठेवलेला जो अवॉर्डचा कार्यक्रम आहे, महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोक आहे अशा लोकांचा गौरव करण्याची अत्यंत चांगली भूमिका लोकमतने घेतलेली आहे, आणि लोकमत हे तसं सर्वसामान्यांचं वर्तमानपत्र आहे, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सातत्यानं काम करणारं हे वर्तमानपत्र आहे, त्यामुळं महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा जो पुरस्काराचा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे या कार्यक्रमामध्ये मला आपण निमंत्रित केलेलं आहे, यामध्ये सामील होण्यात मला स्वतःला आनंद आहे आणि त्यामुळं मी या निमित्तानं लोकमत हार्दिक शुभेच्छा देतो। नहीं, मैं अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आई हूँ और यू नो महाराष्ट्र से हम सब जुड़े हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्टे, हम यहाँ
रहते हैं एंड वी शुड ऑनर ऑल दोज डिग्नेटरीज जो कि महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं और बहुत 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 प्रोत्साहन देते हैं सबको. I think this is a very very it's a very it's a big privilege to be here for the Maharashtra of the Year awards by Lokmat because you know hum sab Maharashtra mein rehte hain, hum sab alag alag shaharon se aaye hain aur yahan base hain aur bahut kuch diya hai is jagah ne hame to it's a great honor and to honor those jo ki Maharashtra ko ka naam aage badha rahe hain, roshan kar rahe hain aur protsahan de rahe hain bahut sare. Sends a shiver down the spine to even think of the atrocities he must be going through aur bahut hi sad hai because eventually hum sab ek hi dharti mein pale bade hain kitne sab log hain mere bhi ancestors pakistan se yahan shift hue hain kitne sab log yahan se wahan shift hue hain to eventually hum sab mein ek hi dharti ka khoon daud raha hai so I think saath mein milkar jo bhi log is sab masle mein pis rahe hain you know we should help we should take out a revolution against this and unko wahan se chhudwa dena chahiye. Thank you so much समाजामधल्या निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये आपापलं वैशिष्ट्यपूर्ण अशा प्रकारचं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि त्याचं एक खऱ्या अर्थानं दर्शन समाजाला झालं पाहिजे या मताचे आम्ही सगळे आहोत आणि मला वाटतं तेच हे दोघे बंधू दर्डा बंधू आणि त्यांची सर्व फॅमिली अतिशय चांगल्या तऱ्हेने हे काम करतात त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. Fraternities are going to get awarded today. Like last year, look forward to this show, look forward to this function to see many achievers from different fraternities of life. And like I remember my experience last year with Lokmat Maharashtra of the Year Award, that I went home with certain goal in my life. And enthusiasm and the energy I went back home thinking of doing more in my profession, expanding and exploring more. And like I just learned one lesson again and again and again, that hard work and a consistent hard work has no shortcut. व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि अपनी देश की न्याय व्यवस्था जाधव जी को उनका सही राइट उनका न्याय ज़रूर देगी. थैंक यू.
सर ये क्या है? महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं मानती हूँ कि हर एक नागरिक जो महाराष्ट्र प्रदेश में उनका सहयोग रहा है उनको एक तरफ से यहाँ सम्मानित किया जाता है, और जिस ढंग से लोकमत लगातार ये महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर चलाती है मैं मानती हूँ कि हर साल बढ़ते जा रहा है और इतने सारे क्षेत्र से इतने सारे लोगों का योगदान है तो सभी को अभिनंदन। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं कि जय महाराष्ट्र और महाराष्ट्र माझी लाडकी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मुंबई माझी लाडकी। कुलभूषण जी के साथ पूरा देश खड़ा है। हम सब जानते हैं कि आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जिस तरह से उन्होंने अपना बलिदान किया है, पाकिस्तान कोई षड्यंत्र ज़रूर रचा रहा है, और जो वो ऐसे ही करते जाएंगे तो आते हुए दिन में विश्व भर में हर एक ग्लोबल सिटीज़न खड़ी रहेगी भारत के साथ इस जंग में, एक तरफ से टेररिज्म के खिलाफ और दूसरे तरफ इंसानियत के प्रति। मुझे लगता है एक पिटीशन हर एक नागरिक को साइन करना चाहिए और भारत सरकार ज़रूर ये पहल चलाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि सभी देखें कि कुलदीप जी जैसे लोग वापस आए हमारे देश में जिन्होंने अपने जान को गवाया है एक तरफ से वहाँ पाकिस्तान में इतने साल गिरफ्तार हो गए। लोकमत जो एक्चुअली वो आई ग्रो अप इन नागपुर और वहीं का न्यूज़पेपर है, और खुशी की बात है कि वो महाराष्ट्र ऑफ द ईयर से लोगों को सम्मानित कर रहे हैं इस अवार्ड से। मुझे लगता है कि जितने लोगों को इस तरह से ऑनर किया जाएगा दे गेट मोर इंस्पायर्ड और ज़्यादा प्रेरित होते हैं इस तरह से काम करने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा परिवार जो कुछ भी है, हम मुंबई की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से, एंड जैसे जब लोकमत जैसा प्रेजेंटेशन आपको इतना सम्मान देता है बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप के आई कैन इक्वली मेक देम प्राउड। आई मिस यू टू, बट जैसे आप जानते हैं कि हम संजय दत्त बायोपिक पर काम करें तो काफ़ी शूटिंग हो रही थी। अभी 60% कंप्लीट है फिल्म, इट्स अबाउट 40% टू गो, कोई कारण है, और मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, तो आप ज़्यादातर रिलीज पर देखते हैं मुझे। संजू बाबा बोले या फिर रणबीर कपूर? नहीं, मुझे रणबीर कपूर बोले, मैं संजू बाबा जैसा कभी बन नहीं सकता। बहुत मज़ा आ रहा है उनका, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसका एक हिस्सा बनना, टू वर्क विद राजू सर इज़ रियली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। क्या उस कैरेक्टर ने आपको या प्ले करते वक्त आप थोड़ा चेंज हुए या आपकी पर्सनालिटी
वो तो अभी मालूम नहीं पड़ेगा जब फिल्म ख़त्म होगी, दोनों दो तीन महीने बाद, फिर अंदर अंदर जहन में क्या चला गया क्या निकल गया वो पता नहीं, बट फिलहाल तो जस्ट इन्जॉइंग एक्टिंग ऐसे लग रहा है। वेल एक्चुअली ये बहुत ही हिस्टोरिक डे था कल मेरे लिए, कल लास्ट दिन था जगह राज उसकी शूट का, एंड मैं बहुत खुश हूँ फिल्म को लेकर। जैसे आप सब जानते हैं मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर है, सो वेरी एक्साइटेड। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ होगी एंड आई होप यू नो कि आप सब मीडिया वालों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, एंड आई होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कटरीना बहुत मेहनत से उन्होंने इस फिल्म पर काम किया है, और ये जितनी मेरी फिल्म है उतनी उसकी फिल्म भी है, एंड बहुत अच्छी तरह प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह रिलीज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जब हम फिल्म बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते, प्यार से बनाते, एंड वी लाइक टू पुट इट अक्रॉस इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आप लोग जाएं, उससे पहले भी निवेदन है आपसे भी, कुलभूषण जाधव हमारे देश के जो पड़ोसी देश में जिनको कैपिटल पनिशमेंट कहा गया है, अलग सरबजीत की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, अगर आप कुछ शब्द कहेंगे तो एक पूरी मुहिम छिड़ पाएगी कि हम उनको वापस से भारत ला सकें, तो निरानी जी आप एक शब्द कहें क्योंकि आप ही हमारे भारत के युवा। मैं इस बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं पता, और मैं इरिस्पॉन्सिबली कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट जब और मैं जानकारी हासिल करूँ तो मैं इसके बारे में बात करूँ। नहीं डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे लोकमत से अवार्ड मिला है। आई थिंक इट रियली मींस कि आप अपने कंट्री के हार्टलैंड में घुस गए हो, एंड दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अरे पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी बहुत समय है, सो डोंट फील बैड, इट्स ओके, आई डिडंट फील बैड, सो यू शुडंट फील बैड। नो डेफिनेटली आई थिंक इट्स ऐसे नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करते हो इसकी वजह से आप काम करते हो, आई थिंक हुएवर वन दे ऑल वेरी राइटफुली डिजर्विंग, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट एक मोमेंट टू सेलिब्रेट के यू नो मराठी सिनेमा एंड हिंदी सिनेमा वन सो मेनी अवार्ड्स, एंड ऑफकोर्स द तेलुगु सिनेमा एज वेल, इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर एवरीबडी टू सेलिब्रेट टैलेंट यू नो इन जनरल। Right now is the time to talk about it. रणबीर से पूछ लो, रणबीर जब खत्म करेंगे तब हम शुरू करेंगे, मैं जाके डेट्स मांगती हूँ। कैसा लुक लग रहा है संजय दत्त का? बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, और मैं फिल्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं परफॉर्मर दिखती हूँ जस्टिन बीबर के साथ? यस, आई बी वेरी टच्ड, पर मैं देखूंगी उनका परफॉर्मेंस, परफॉर्म साथ में नहीं कर सकती। थैंक यू गाइस। वरुण ट्विटर से बाहर चले गए, मतलब
बाहर नहीं चले गए, संन्यास ले रहे, तो कभी कभी लेना पड़ता है, ठीक है मैं भी लूंगी कुछ टाइम, हाँ इट्स ओके, एवरीबॉडी टेक्स देयर ओन. क्या करना है, विजुअल ये नया है विजुअल वाला.